हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। ये हमारी एनिवर्सरी के दिन की क्लिप है, जिसमें कुछ क्लिप बहुत जो इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे डांस की थी, मस्ती की थी, डिनर टाइम की थी, केक कटिंग की थी, वो मिस हो गई क्योंकि वो इनके मोबाइल में थी और किसी कारण से मिस हो गई। तो जितनी भी मेरे मोबाइल की क्लिप है वो मैं आपसे शेयर कर रही, तो आप ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कहाँ चले? भोपाल की विदिशा। आज बाबा जी का प्लान क्या हुआ? बाबा जी का प्लान क्या हुआ? बाबा जी बना ही नहीं, बाहर चलते हैं। तो देखिए भाई, अब ऐसा है, मैं बहुत सिंपल रेडी हुई हूँ और ये है ना, तो अब लास्ट में प्लान हमारा कुछ चेंज हो गया है। अभी तो भगवान की पूजा वगैरह की है और अन्य ट्यूशन से आ भी गया था, फिर बच्चे नहाए वगैरह, तो अब रेडी होके हम निकल गए हैं। ये हुआ कि चलो निकलते हैं, थोड़ा सा आज रहता ना, इस फसल दिन रहता है तो थोड़ा सा लगता है बाहर चले ही जाए। हाँ, तो आप प्लान कर लिए बाहर का? इन्होंने बोला था केक बनाना, तो मैंने केक भी नहीं बनाया। पहले था कि होममेड केक होगा, खुद की एनिवर्सरी है क्या केक बनाओ, है ना। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें भोपाल जाना है या विदिशा। तो ये बार बार पूछ रहे हैं भोपाल चलना है या विदिशा, तो मैंने कहा जहाँ ले जाइए वही, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगी। और आनंद आ गया, देखे होंगे भगवान राम जी की फोटो मैंने लाई है, और राम लला जी आए हैं, बहुत ही अच्छे से पूजा किया, अच्छा लगा बहुत। और अब ऐसे ही, अब 13 साल बाद एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट होती है ना। हाँ, हमारी शादी को 13 साल हो गए। तो अब हम पूछते हैं बैक कैमरा पांडे जी से कि कैसा रहा 13 साल का एक्सपीरियंस। 13 साल का एक्सपीरियंस ऑन कैमरा ये है कि बहुत अच्छा जीवन बीता, और 13 साल कैसे गुजर गए कहीं पता ही नहीं चला। लग रहा आज भी बिल्कुल नया सपन है, लड़ते झगड़ते अच्छे समय, रूठते मनाते अच्छे समय बुरे समय, सब हमने ऐसा नहीं है कि हम लोग हंसते ही गुजारा है। नहीं, सब जगह होता है, लड़ाई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है, रूठे भी हैं, मनाए भी हैं, पर सब करते करते देखो 13 साल में 2-2 बच्चे भी हो गए और समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और यही है स्ट्रेंथ की, बस ऐसा ही बना रहे जीवन और ऐसे ही आगे भी ऐसे चल, मम्मी पापा के चरणों का आशीर्वाद रहे और बस उन्हीं का आशीर्वाद से आगे चलते रहे, उनका साथ रहे सबका। तो ऐसा रहा कुछ इनका एक्सपीरियंस, और सेम एक्सपीरियंस मेरा भी था। इनका क्या एक्सपीरियंस, किसी एक का नहीं होता ये जो घरेलू जीवन में, इसमें दोनों के एक्सपीरियंस सेम ही रहते हैं। पेठा कहाँ गया? मेरे पास है पेठा, दो रखा है। अरे तो मैं खाऊंगी। अच्छा, बात होती के रख दिए ना, खाऊंगी उधर जाओ, मीठा रखाऊंगी ज्यादा। तो यहाँ अब आ गई थी मैं, भोपाल पहुँच गए थे न्यू मार्केट, जहाँ आ गई थी मैं गोल्ड साहब, मुझे कुछ लेना था, कुछ लेना क्या था, एनिवर्सरी गिफ्ट था। तो मुझे ये कंगन बहुत प्यारे लगे, पर पसंद आए, पर इसका मैंने फिर बाद में ऑर्डर कर दिया, इसमें थोड़ा सा साइज इशू हो रहा था, तो इस वजह से फिर, मतलब दोनों मुझे बहुत पसंद थे लेकिन डिज़ाइन भी बहुत पसंद थी, सेम डिज़ाइन में मैंने ऑर्डर कर दिया, जो कि जब आएगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मतलब फाइनल यही हुआ था। थोड़ा छोटा है, क्या बहुत छोटा है ये, तो क्योंकि डिफरेंट हो रहा है। तुम चारों ही रहते बस, आज फ्लाइट चलेगा। फिर यहाँ आ गए थे हम, जहाँ हमें अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, और मतलब काफी अच्छी लोकेशन है ये। तभी हम आ चुके हैं मालगुड़ी, मतलब ये लोकेशन इतनी प्यारी है, आप एनी टाइम चले जाइए, हमेशा ऐसे ही डेकोरेशन रहता है, आप कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा था सेलिब्रेशन, छोटा सा ही किया था हमने, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर यहाँ भी ऐसा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि बाद में मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया था, इनका भी हो गया था, तो आगे की क्लिप हमने डिनर किया और जो भी मस्ती की वो कैप्चर नहीं हो पाई थी। तो जितना भी होगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। हाँ तो रुको, पहले चेयर और फाइनल कर लेना।
होंगे। इसमें चाहे कुछ बैठ सकते हैं, आगे कान वाले चाहे अगर बैठ सकते हैं। बैठ बैठ कभी निकले हैं ना, पर नहीं हम लोग अगर यहीं ऐसे सिटिंग एरिया, हम लोग चार लोग हैं तो क्या वो करेंगे, यहाँ इसमें कर लेते हैं, इसमें उसमें बैठते ना गोल वाले में। हाँ यहाँ बैठते ना इस पे, इस पे। हाँ भैया यही टेबल यहाँ करा दो, इसको डांस करना है। बोलो खत्म हो गया, आप लोग ये कर रहे हो। लाएंगे लाएंगे अच्छा है लेंगे। तो ऐसा रहा आज का हमारा एनिवर्सरी, और हमें ये भी बोलना छोटा सेलिब्रेशन नहीं किया, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन तो अमन ने घर में किया है, घर में किया है, इसके बाद यहाँ आके एंजॉय किया छोटा सा और बड़ा मजा आया। तो आज के इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। पांडे जी भाग रहे हैं, रुकिए, बाय बाय।